जनपद में सावन, मुहर्रम और रक्षाबंधन के त्योहारों के मद्देनजर पुलिस प्रशासन अलर्ट हो गई है, जिसके संबंध में एसएसपी डॉक्टर गौरव ग्रोवर ने बताया कि आने वाले दिनों में जो त्योहार आने वाले हैं उसके संबंध में लगातार मीटिंग की जा रही है। जिन जिन क्षेत्रों में जुलूस निकलते हैं उन क्षेत्र के रूटों पर भ्रमण किया जा रहा है तथा जिनकी अध्यक्षता में जुलूस निकाली जाती है उनसे लगातार संपर्क साधा जा रहा है। उन्होंने बताया कि जो शासन द्वारा निर्देश दिया गया है उसी के तहत जुलूस निकाली जाए और शांतिपूर्वक सभी त्योहार संपन्न हो इसका पूरा प्रयास की जा रही है तथा हर चौराहे पर सीसीटीवी कैमरे और ड्रोन कैमरे के माध्यम से निगरानी की जाएगी। उन्होंने नागरिकों से अपील करते हुए कहा कि जैसे पिछले दिनों में सहयोग दिया है वैसे ही आने वाले त्योहारों में शांतिपूर्वक ढंग से मनाएंगे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए एसएसपी डॉक्टर गौरव ग्रोवर ने कहा, इस समय पर जो त्यौहार चल रहे हैं भले वो सावन महीने का हो, कावड़ यात्रा हो, या आने वाले दिनों में जो मुहर्रम का आयोजन यहाँ पर होना है, उस संबंध में लगातार मीटिंग्स का दौर चल रहा है। जिस जिस क्षेत्र में जुलूस निकलते हैं उस क्षेत्र में जो रूट है उसका भ्रमण भी किया जा रहा है। जो मुतबल्ली हैं और जिनकी अध्यक्षता में ये जुलूस निकलते हैं उनसे साथ भी लगातार संपर्क साधा जा रहा है। विगत वर्षों में जो भी घटनाएं हुई हैं उसका भी संज्ञान लिया जा रहा है, जो संवेदनशीलता है उसके लिए भी, और जो नियम शासन द्वारा तय किए गए हैं उन्हीं के तहत सभी जो जुलूस हैं वो निकाले जाएं और शांतिपूर्वक ढंग से सौहार्द के माहौल में सभी आयोजन संपन्न हो इसके लिए सभी प्रयास किए जा रहे हैं। देखिए, बिल्कुल सकुशल संपन्न कराने के लिए भले वो सीसीटीवी कैमरा है, बॉडी वॉर्न कैमरा है, उसकी वीडियोग्राफी है या ड्रोन कैमरे का इस्तेमाल होना है वो सभी जगह पर किया जाएगा और उसकी प्रॉपर रिकॉर्डिंग और सुपरविजन की जाएगी। देखिए, सभी त्यौहार तभी सौहार्दपूर्ण माहौल में मनाए जाते हैं जब जनता का सहयोग उनसे मिलता है, और मुझे पूरा आशा ही नहीं यकीन है कि जैसे विगत दिनों में हमेशा गोरखपुर वासियों ने और विशेष रूप से शहर वासियों में इसमें सहयोग दिया है और आपस का भाईचारा बनाए रखा है, वैसे ही आने वाले दिनों में भी सौहार्दपूर्ण माहौल में ही ये सभी आयोजन, सभी त्यौहार और सभी जो इसे मनाए जाने हैं वो मनाए जाएंगे और जनपद गोरखपुर से सौहार्द का और आपसी सद्भाव का एक अच्छा मैसेज बाकी जगह पर जाएगा।